मैं डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक SCERT, फिर आपके सामने हूँ। और आज हम देखेंगे तृतीय लिंग का बोध में से दूसरा खंड या भाग दो। ठीक है, मैं याद दिला दूँ हमने क्या देखा था। हमने ये देखा था कि प्राचीन काल में त्रेता युग में से इनके अस्तित्व की जानकारी यानी इनके होने की जानकारी हमको मिलती है, और उस युग के पात्र जो है बड़े आदर्शवादी थे, यानी इनको बड़े अच्छे नज़रों से देखा जाता था। द्वापर में हमने देखा तो महाराज द्रुपद के घर में भी थे और भी लोग रहे होंगे, उस समय भी इनको बहुत सद्भावनापूर्ण दृष्टि से देखा जाता था। फिर हमने धीरे से देखा कि मध्य युग में जब हम आए तो मध्य युग में मुगल कालीन जो हमारे सम्राट या राजा रहे हैं उन्होंने भी इनके लिए बड़ी सद्भावनापूर्ण निगाह रखी। लेकिन धीरे धीरे जब भारत में और लोगों का आक्रमण शुरू हुआ और तरह तरह के लोग आना जब शुरू किए तो इनका जीवन जो है थोड़ी सी कठिनता की ओर बढ़ गई थी, और फिर ये अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। इसीलिए लोग यहाँ वहाँ बिखर के रहने के बजाय एक साथ रहना ये चाहते थे, और फिर दह्यार की प्रथा जो है वो शुरू हो गई थी, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा हो गई थी। आपने देखा ना कि एक कोई मुखिया हुआ करता था वो गुरु हो गए, बाकी जो लोग थे वो शिष्य हो गए। तो गुरु शिष्य परंपरा में रहना शुरू किए और वो दह्यार से सप्ताह में एक या दो बार मांगने वगैरह के लिए निकलते थे, और जो धन संपत्ति उनको मिलती थी उन्हीं से इनका जीवन चलता था। तो प्राचीन काल में और मध्य काल में दोनों ही तरह इनकी स्थिति जो है बड़ी मजबूत रही है। लेकिन अब हम देखेंगे आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में जो इनकी उपलब्धि जो हुई है इसे देखकर तो बच्चों हम दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि एक से एक लोग रहे हैं और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें इन्होंने पदार्पण न किया होगा या इन्होंने उस क्षेत्र में कदम न रखा होगा, ऐसा नहीं है। तो देखें अब हम पाठ में अगला हिस्सा आधुनिक युग। आप सभी ने पुस्तक खोल लिए जहां तक मैं देख पा रही हूं। हाँ राजू, तुमने पुस्तक का नहीं खोला क्यों? अच्छा तुम लाए नहीं हो, कोई बात, दूसरे वाली पुस्तक को आप देखो, किसी के साथ बाजू में बैठ जाओ और शब्दों को मिलाओ और समझने की कोशिश करो। तो हम शुरू करते हैं आधुनिक युग। ठीक है, तृतीय लिंग समुदाय ने आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे हैं। आधुनिक काल की चुनौतियां अन्य कालों की अपेक्षा काफी अलग रही। अब दुनिया सिमट चुकी है, विज्ञान और औद्योगिकीकरण व राजनीतिक विचारधाराओं ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। अब लोग अपने अंतर संबंधों के विषयों में खुलकर बातें करने लगे हैं। अब क्या बता रहे हैं, देखो आपने दो युग पढ़ लिया ना, एक है प्राचीन युग, दूसरा है मध्य युग, आधुनिक ये ना तीसरे युग में आ रहे। मैंने कहा था तीन युग है, तो आधुनिक युग ये तो वर्तमान जो चल रहा है, इस या आधुनिक युग ने तो कुल मिलाकर के क्या कर दिया, क्रांति कर दिया है। इस आधुनिक युग में बड़ी बड़ी चुनौतियां हुई, लेकिन बड़ी बड़ी चुनौतियों को यानी इन चुनौतियों का सामना उन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। दुनिया सिमट चुकी, दुनिया सिमट गई, ये दो अर्थ निकलते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है से कहते हैं ना, लेकिन दुनिया गोल है, घूम फिर का आदमी वहीं मिल जाता है। वो बात यहां पर लागू हो रही कि दुनिया भी उनके लिए सिमट चुकी थी। विज्ञान और औद्योगिकीकरण यानी विज्ञान और उद्योग, उद्योग से उद्योग क्या बन गया, औद्योगिकीकरण। ठीक है, और राजनीतिक विचारधारा, ये सबने मिलकर के तीनों चीजें यानी विज्ञान ने, सिस्टम ने इंसान के दिमाग के तारे खोल दिए, सितारे खोल दिए, तार खोल दिए, या उनकी छठी इंद्री को उन्होंने खोल दिया, और राजनीतिक मुद्दाएं जो है वो भी हावी होने लगी, और विचारधारा कुल मिलाकर के इतनी उन लोगों की परिस्थिति होनी शुरू हो गई कि उनका अपना रहन-सहन भी अब बदलने लगा, और ये लोग अपने अंतर संबंध के विषयों में खुलकर बातें करने लगे। अंतर संबंधों को लेकर के मतलब जब आप किन्नर के रूप में देख रहे थे, मैंने शुरू में कहा कि वो पुरुष के रूप में है, लेकिन धीरे 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 उनके अंदर नारियों के विचार जो है आने शुरू हो गए। तो कपड़ा लत्ता पहनावा ओढ़ावा उस बने और बिल्कुल एक नारी की तरह ही दिखने लगी। और ऐसा भी हुआ है बच्चों, आपको बताऊं कि वो बाद में नारी बनने के बाद किसी पुरुष से उन्होंने विवाह संबंध भी स्थापित किए हैं, ऐसे भी आपको मिलेंगे इतिहास में। ठीक है, तो ये जो था अंतर संबंध, मतलब एक का यानी एक किसी किन्नर का किसी पुरुष से उसका जिस प्रकार का संबंध हो रहा है, उन संबंधों को भी उन्होंने दिल खोलकर स्वीकार किया और बताया कि हाँ मैं ऐसी हूं। शायद कुछ चित्र मैं आपको बाद में दिखा पाऊंगी, आप देखेंगे इसमें कि किस तरह से ये होते हैं और इसकी जानकारी आपको होगी। तो यहां पर कीर्ति का मतलब होता है यश, और औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कि उद्योग धंधों से संबंधित चीजें।
समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों और प्रेम प्रसंगों के बारे में काफी खुलकर लिखना शुरू भी कर दिया। देखो मैंने वही कहा था ना कि एक किन्नर जो है, मतलब एक किन्नर रूप के जो पुरुष रहे हैं वो महिला के रूप में आने के बाद में उन्होंने किसी से प्रेम भी किया, ये बता रहे हैं, और यौन संबंध भी, यानी स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वह भी उन्होंने निभाने का प्रयास भी किया, ये भी कह रहे हैं, उसके बारे में खुल करके लेखकों ने लिखना शुरू कर दिया। यौन व्यवहार को समाज में मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनने लग गए, है ना, बनने लगे हैं, और इसमें नाज, यूनिसेफ, मित्र सिंगार, हम सफर व दक्षिण भारत में थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटियों का गठन भी हुआ। यानी इस यौन व्यवहार को समाज में मान्यता देने लगे, मान्यता देने लगे, मतलब अगर कोई किन्नर महिला के रूप में है तो अगर उसने किसी से ब्याह कर लिया तो इसे अब छुपाया नहीं जाता है, मतलब वो खुलकर आपके सामने रहते हैं। वही सारी काम वो किन्नर करती है जो हम लोग करते हैं, रोटी बनाना, परोसना, देना, खिलाना, करना। बच्चों आपको कहीं समझ में नहीं आएगा कि कौन है नारी और कौन है यहाँ पर किन्नर, समझ रहे हैं? तो दिखने में, चलने में, काम काम में, आदत स्वभाव में भी लगभग लगभग एक जैसे हैं, तो इनके अंदर भी वही जिगर है, वही दिल है, वही जज्बात है, वही भावनाएं हैं, तो सीधी सी बात है इनके अंदर में भी कोई विचारधारा उठती होंगी कि हम भी इस तरह जीवन को, गृहस्थ को अपनाएं। तो उन्होंने शादी ब्याह भी लोगों के सामने किया, और किया तो इनको समाज में मान्यता पहले नहीं मिली, क्योंकि किसी पुरुष की शादी जो है किसी महिला से, किसी महिला की शादी जो है पुरुष से होती थी, लेकिन किन्नर की शादी किससे होगी सवाल ये था, तो लोग नहीं करते थे। पर धीरे 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 ऐसा हुआ कि ये करने लगे और समाज ने इन्हें मान्यता देने के लिए अनेक संगठन का निर्माण किया, जिसमें दिख रहा है नाम आपके सामने में, यूनिसेफ, मित्र सिंगार है, हम सफर है, और जेंडर वेलफेयर सोसाइटी है, ये सब गठित हुए। और गठित होकर के इनके अस्तित्व में अगर मुंबई चार चांद लगाने लगे तो शायद गलत नहीं है, ठीक है, इनको ऊपर उठने के लिए लगातार अवसर दिया गया जो कि स्वाभाविक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 373 में संशोधन किया, काफी लोग खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारों के लिए लक्षित हस्ते परियोजनाएं चलाई, इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे। यानी और तो और इन थर्ड जेंडर के अधिकारों के लिए जो संविधान की धारा है 377 उसमें भी कुछ सुधार किए गए। 343 तो कहती है कि हर इंसान को वो अधिकार है, उसका एक मौलिक कर्तव्य है, उसका मौलिक दायित्व है, वो सारी बातें बताती हैं कि आपको खुल के जीने का अधिकार है, लेकिन 377 नामक जो धारा है उसमें इनके जीवन के लिए, इनको मान्यता दिलाने के लिए उसमें भी संशोधन किया गया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये वोटिंग के लिए भी जाते हैं, हॉस्पिटल में भी इनके लिए एक अलग व्यवस्था कर दी गई है, नौकरी वगैरह में भी आने लगे हैं, यानी कई ऐसा क्षेत्र है कहना चाहिए जिसमें ये काम कर रहे हैं, तो इनके लिए जगह बनी। अब जो फॉर्म होता है, आप जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो हमेशा देखेंगे लिंग क्या है, सेक्स है, मेल है, फीमेल है, ऐसा दिया रहता है। अब ऐसा नहीं है, आपको तृतीय लिंग को भी मान्यता देनी है, इसलिए ये वेलफेयर सोसाइटीज जो है इनके लिए खुलकर के इनके अधिकारों की चर्चा पे ये संलग्न रहे हैं, ठीक है। तो खुलकर सामने आया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारों के लिए भी लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई, यानी उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप। लक्ष्य का मतलब क्या होता है, एक उद्देश्य को लेकर के, हस्तक्षेप यानी थोड़ा उनके बीच में दखल देना कहलाता है, हस्तक्षेप करना। तो परियोजनाएं चलाई मतलब इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हमारी सोसाइटी जो है खुल करके आगे आएंगे, और इन्हें आपको समाज में मान्यता देना ही है। जैसे वोट देने का अधिकार इनको मिल गया, किसी नौकरी का अधिकार आपको मिला, आपको हमारे सामने बैठने का अधिकार मिला, तो ये मिलना ही चाहिए था ना, क्यों मिलेगा? अभी आप अंतिम अंत में देख पाएंगे कि महत्व इनका भी हमारे जैसा ही होता है, स्वाभाविक है, इंसान है तो मानव है, और मानव अंतर्गत स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, यानी कोई भी हो, नर नारी किन्नर सारे समुदाय है। त्रेता में भी कहा जाते थे कि नर नारी किन्नर सब होते हैं, तो यही बात आज भी लागू होता है, इसलिए सारी योजनाएं हमारे वेलफेयर सोसाइटीज ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है।
थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकियों से काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। इन विभिन्न समूहों को अलग अलग नाम भी दिया गया, जैसे किन्नर, टीजी आदि। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि अब किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया। बच्चों, मैं दरअसल मैं आपको थोड़ा खुलकर यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रश्न करूँ कि आप लोगों ने कहीं देखा है इनको, आप जानते हो इनको? हाँ हाँ बताओ, सोहन कह रहा है, हाथ उठा रहा है, कैसे जानते हो? अच्छा, आप कभी ट्रेन में जा रहे थे तो आपने वो मांगते हुए उनको देखा था? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो, मोहन जानता है, आप भी बाहर निकलते तो आप भी जानते, शहर के बच्चे बहुत ज्यादा जानते हैं क्योंकि लगातार देखते हैं, बधाई देते हैं कि लोग पहुंचते हैं ना कस्बों में, इसलिए उनको पता है। देखिए, इनके बारे में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अलग अलग नाम दिया गया, यानी इनकी शारीरिक भिन्नता के कारण जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकी से, मतलब इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया, काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाने जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। मतलब उस किन्नर समुदाय में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि क्लासरूम में भी हम होते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हमारे पास होते हैं जिनका स्वभाव जो है वो लड़कियों की तरह होता है। आपने सुना होगा कई बार बोलते थे कैसे महिला जैसे करता है, महिला महिला, महिला का आचरण जो है कोई करता है पुरुष तो उसे महिला बोल देते हैं, कहना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है? तो वही चीज है कि अगर किसी लड़के के अंदर में लड़कियों की तरह स्वभाव यदि आ रहा है कहना चाहिए, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति में उसके अंदर में ऐसा आचरण आ रहा है इसलिए वैसा करता है, तो वो केवल बोलने चालने की बात है। कुछ ऐसा होता है कि लड़के तो होते हैं, मतलब पढ़ते लिखते लड़के के रूप में है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो भी नेल पॉलिश लगाएं, वो भी लिपस्टिक लगाएं, वो भी मेहंदी लगाएं, वो भी कुछ करें ऐसा, मतलब कंघी बनाएं, बाल बनाएं, ऐसा भी होने लगता है, तो वैसा आचरण वो करने लगते हैं, ठीक है? कुछ को लगता है मैं सलवार कुर्ता पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, तो वैसा भी करने वाले होते हैं, कहना चाहिए। लेकिन बच्चों, होता क्या है, जैसे पुरुष के अगर लबादे में है, यानी परिवेश में है, यानी कि परिधान में है, और एक पुरुष जैसे वो दिख रहे हैं और अगर वो साड़ी पहने, सलवार कुर्ता पहने, तो जाहिर सी बात है कि चाल में थोड़ा फर्क आएगा, यानी लड़कियों के लड़कों के चलने में कहीं तो अंतर होता है ना, ये प्रकृति प्रदत्त है, तो वही अंतर चलने से भी कई बार समझ में आ जाता है, ऐसा होता है। किसी किसी का क्या है, पुरुष है तो चेहरा जो है मतलब पुरुषों का रहता है, आप तो जानते ही हैं कि लड़के हैं तो जाहिर सी बात है उम्र में आने के बाद दाढ़ी मूंछ हो जाती है, लेकिन लड़कियों में दाढ़ी मूंछ की संभावना तो नहीं होती ना, उनके शारीरिक मतलब बॉडी को देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ ये है ऐसा, ठीक है? तो इस तरह कुछ 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 अंतर जो है वो दिखने लगा, तो उनके कई स्तर आने लगे, तो बात इतना भी हुआ जो हम पहले पढ़ रहे थे कि बड़ी बड़ी सोसाइटियों ने और हमारे संविधान ने लड़के से लड़की बनने का प्रावधान भी रखा, तो डॉक्टर्स ने उनके मतलब शारीरिक अंगों को कहना चाहिए, हिस्सों को भी उस हद से जनरेट करने का भी प्रयास किया, कहना चाहिए। जो लड़का जैसे नाक जो कुछ दिख रहा है उसको नाक को छोटा करके लड़कियों की तरह कर दो, या उनके मेकअप के द्वारा वो धीरे 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 इस प्रकार के चेहरे को मतलब बना दिए कि वो बिल्कुल लड़की जैसे हो गई हैं, तो आज की डेट में आज तो बहुत बहुत प्यारी प्यारी सी होती हैं उन लोग भी कि आप बिल्कुल एहसास नहीं कर सकते। तो कितने तरह की होती हैं, कोई शरीर से, कोई आदत से, कोई चाल ढाल से, या कोई और भी किसी चीज से, ये विभिन्नता होती है। इस पर हम पूरी तरह से बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको जानने वाले ही आपको बता सकते हैं, लेकिन ये होते हैं इतना मैं जानती हूँ, ठीक है? तो इनको अलग अलग नाम दिया गया कि कौन किन्नर होंगे उसमें से, कौन टीजी होंगे उसमें से, ये केवल नाम है, इस पे आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मैं जानती हूँ 8 या 9 प्रकार इनका माना गया है, ठीक है? ये कोई फिल्म होता तो शायद मैं आपको दिखा भी पाती कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पर अभी खुल करके आपसे बात शायद ना हो पाए क्योंकि ये सिंपल एक क्लास है बच्चों, और क्लासरूम में उतनी बातें आपसे हो पाए ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है? लेकिन कुल मिलाकर के जो भी नाम इनको मिला, ये बता देना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो किन्नर है एक आदर्शवादी नाम है, मतलब किन्नर हम जो बोलते हैं वो एक आदर्शवादी नाम हो गया, मतलब इज्जत से, आदर्शवादी मतलब एक इज्जत से उनका नाम लिया जा रहा है किन्नर। तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने कारपोरेट, समाज सेवा, राजनीति, शासन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया। इनकी प्रतिभा को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए।
सिल्वेस्टर मर्चेंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनेंद्र सिंह गोयल, शासन डिजाइनर रोहित व विधायक शबनम मौसी आदि प्रमुख हैं। देखिए आधुनिक युग में इन्होंने कैसे बादाम चाहे, कारपोरेट मतलब जो हमारा उद्योग वाला जो धंधा है, जो आपका पूरा व्यवसाय वाला जो जगत होता है ना, उसको हम कहते हैं कारपोरेट जगत, जहां लेन देन व्यापक पैमाने पर होता है। समाज सेवा के अंतर्गत, राजनीति में, फैशन में, संगीत के मामले में, इन्हें कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इन्होंने अपने लोहा नाम मनवाया। लोहा मनवाने का मतलब क्या होता है, अपने अस्तित्व को कायम रखना, केवल कायम रखना नहीं, सबूत दे देना कि हम आपसे कहीं पर कम नहीं है। इनकी प्रतिभा को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित रह जाना, कि लोग इनके काम को देख करके आश्चर्य से भर करके रह गए हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम दिख रहा है, सिल्वेस्टर मर्चेंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनेंद्र सिंह गोयल, फैशन डिजाइनर रोहित। मैं आपको दिखाती हूँ फैशन डिजाइनर रोहित जो है वो, कि ये काम आज के जमाने में कर रहे हैं, तो ये क्या आप बता सकते हैं इनको देख करके। विधायक शबनम मौसी, आप जानते हैं ना कि विधायक के रूप में हैं, तो इन मौसी जी को देख करके आप बता पाएंगे कि इनके अंदर किसी प्रतिभा की कोई कमी है। तो ऐसा नहीं है बच्चे, आज ये अपना नाम रोशन करने में, किसी को भी पीछे छोड़ देने में कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, प्रश्न एक बनता है इस पैराग्राफ में कि तृतीय लिंग समुदाय में किन किन क्षेत्रों में लोहा मनवाया, कहां कहां मंगवा लिए, ये पूरा जो पैराग्राफ लिख रहा है ना, इसके उत्तर में आप उसको ले सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हुई है। समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि इनकी प्रतिभा व शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने में किया जा सके। इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने और आपके सिलेबस में रखने का एक उद्देश्य यह भी है कि लोगों तक बातें हमारी जाएं। ठीक है, कि समाज ने, कानून ने, जब सबने इनको इजाजत दे दी है, तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी कम से कम हम जाने, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बताएं। क्या बताना है हमको, कि इन समुदाय में, यानी किन्नर समुदाय में प्रतिभाएं इस तरह भरी पड़ी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग हुए हैं नामचीन, इन लोगों को समुदाय की मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी है। मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी है का आशय क्या निकल रहा है, कि अगर मैं अपनी प्रतिभा से इस जगह खड़ी हूं, तो उन्हें भी वो अधिकार है कि वो अपनी प्रतिभा के बदौलत मेरे बाजू में खड़े हो सके। ये है मुख्य धारा से जोड़ना। और इनमें प्रतिभा ऑलरेडी है, तो इनकी प्रतिभा और इनमें शक्ति भी है, तो प्रतिभा और शक्ति, प्रतिभा मतलब उनकी कुशलता और शक्ति है उनके अंदर की क्षमता यानी ताकत, इन दोनों का उपयोग हम समाज में कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा समाज श्रेष्ठ बनेगा और सुंदर बनेगा। कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहती हूँ। देखिए, कल तक पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष लोग काम करते थे, औरतें घर के अंदर रहती, घर के बच्चों को संभालती और घर का काम काज करती। हालांकि बहुत बड़ा काम महिलाएं कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन धीरे 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 ये हो गया कि पुरुष और महिला दोनों समाज में निकली, क्योंकि महिला के अंतर्गत भी वही ताकत है। लोगों ने महसूस किया कि घर में है महिला, लेकिन जब दो भाई घर में बात कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के, तो घर के रहने वाली महिला ने उस समस्या का सॉल्यूशन बता दिया जो दोनों भाई डिस्कस कर रहे थे। तो लोगों को लगा कि यार, घर में रहने वाली महिला के अंदर भी दिमाग है ना, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो उनको धीरे से लाए। बच्चों, आप देखते होंगे, आप दुकानों में महिलाएं ज्यादा दिखने लगी हैं। आप बैंक देख लीजिए, आप ऑफिस देख लीजिए, कार्यालय देख लीजिए, आप कॉलेज देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, सब में महिलाएं दिख रही है ना आपको, कम से कम वन थर्ड तो है ना। तो उनके अंदर जो प्रतिभा थी, जो क्षमता थी, उस प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल जो है वो बाहर होने लगा। जब जैसे स्कूल में आप देखते हैं कि मैडम दिखती हैं, पहले स्कूल में सर होते थे तो लड़कियों को उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते थे, डर के मारे कि एक भी कोई मैडम नहीं, लड़की कैसे जाएगी, लड़की की जाति इतनी बड़ी। लेकिन आज जो कि मैडम लोग होती हैं, कहना चाहिए मतलब शिक्षिका होती हैं, तो पेरेंट्स को आज कोई डर नहीं है ना कि हाँ वहां तो मैडम है, जाएंगे कोई बात नहीं, इस तरह होता है। तो एक तो खुलकर समाज सामने आया, दूसरा ये हुआ कि उनमें जो क्षमता थी उस क्षमता का क्या किया उन्होंने, उस संसाधन का सदुपयोग किया।
तो आज पुरुष और महिला दोनों मिलकर के परिवार की गाड़ी बहुत शानदार तरीके से खींच रहे हैं। पहले एक अकेला पुरुष खींचता था, माँ बाप बच्चे भाई बहन सबकी परवरिश, आज महिला पुरुष दो मिल गए तो एक और एक दो मिलकर के 11 ऐसा कहा जाता है। वाकई में 11 ही होते, दो की ताकत में परिवार बहुत शानदार ढंग से चल रही है। जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति बहुत अच्छे से हो रही है, तो समाज में भी उसका वो हो रहा है, मतलब फायदा समाज को उसका हो रहा है, सरकार को उसका फायदा हो रहा है, डिपार्टमेंट को उसका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एक वर्ग और बच गया क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों का सहयोग समाज को मिला, लेकिन जो तृतीय लिंग है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि चूंकि इनके अंदर भी वही सारी प्रतिभाएं हैं, इनको आगे आने का अवसर नहीं मिला था बच्चों, इसलिए आप उसकी प्रतिभा को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा है इसलिए इनको भी आगे आने का अवसर देना बहुत जरूरी है। और यदि हम इनकी प्रतिभाओं का सदुपयोग कर पाएंगे, ये मानकर चलिए कि हमारा जो समाज है वो निसंदेह श्रेष्ठ बनेगा और सुंदर बनेगा, तो हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं, समाज को उन्नत करने के लिए तृतीय लिंग समुदाय का सहयोग किस तरह लिया जा सकता है, किस तरह लिया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने छेड़ दिया प्रश्न को। तो समाज को सुंदर बनाने में तो लिया जा सकता है, लेकिन कैसे, सवाल कैसे में है, तो कैसे का मतलब क्या हुआ, उन्हें वो अवसर प्रदान करके, ठीक है। जैसे नौकरी है, नौकरी फॉर्म भरेंगे तो आपको तीनों को बुलाना पड़ेगा, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, मतलब मेल हो फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, तीनों को अवसर देंगे तो तीनों जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है, और किसी का भी चयन हो सकता है, ऐसा है। अतः हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहां तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सहनावतु सहनौ भुनक्तु के आदर्शों पर विकसित हुआ है। अंत में कहते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जो समाज व्यवस्था विकसित हुई है, इस सामाजिक व्यवस्था में यह जरूरी है कि हम तृतीय लिंग के लोगों को लेकर के भी चले, उनके भी व्यक्तित्व को पूरी तरह से फलने फूलने का हम अवसर दें। दो चार को ही क्यों, हम आगे भी लोगों को लें। अभी आप बच्चों अभी नजर उठा करके देखेंगे अपने आसपास की परिवेश में, तो बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रहे हैं, तो कोई जो है आपका ब्यूटी पार्लर में जाकर के मतलब पार्लर चला रहे हैं, तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं मतलब आरक्षक बन रहे हैं, तो कोई जो है मतलब जज बन रहे हैं, तो कोई कुछ और काम कर रहे हैं, जगह जगह पत्रकार वगैरह सारे डिपार्टमेंट में धीरे धीरे करके इनकी पहुंच जो है वो बनती जा रही है, ठीक है। और क्यों ना हो बच्चों, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी भवन्तु हो सुखिनः सुखी, यानी इस संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी मतलब सभी के सभी सुखी हो, सहनावतु सहनौ भुनक्तु और सभी साथ साथ रहें, सहनौ भुनक्तु सभी साथ साथ खाएं, यानी सभी एक साथ मिलजुल करके रहें, सभी साथ मिलकर के जीवन यापन करें, साथ मिलकर के भोजन यापन करें, साथ मिलकर के जीवन व्यतीत करें, और जब हम साथ साथ चलेंगे बच्चों तभी सभी सुखी होंगे। वरना मैं खाती रहूं आप देखते रहें, या आप खाते रहें मैं देखती रहूं, आप अच्छा पहने मैं अच्छा ना पहनूं, मैं अच्छा पहनूं आप अच्छा नहीं पहने, मैं अच्छे पढ़ूं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूं आप ना पढ़ें, या आप अच्छे से पढ़ पाते हैं कोई दूसरा नहीं, तो जाहिर सी बात है समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां विषम आएंगी आएंगी। इससे क्या हो जाता है कि जब एक को मिलता है दूसरे को नहीं मिलता है, तो विसंगति जो है कारण बनती ही बनती है, चोरी चकारी डाका ये सब आता ही आता है। लेकिन यदि आपके पास भी वही चीज़ है मेरे पास भी वही चीज़ है, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपकी चीज़ पर नजर मारूं या आप मेरी चीज़ पर नजर मारें। तो बच्चों ये भारतीय संस्कृति का जो वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे आप भी अपने जीवन में आदर्श वाक्य के रूप में अपना लें, ताकि आप अपने घर में अपने भाई अपनी बहन या जो भी आपके परिवेश में होते हैं, चाहे वो आपका अपना हो पराया हो कोई भी हो, आपको ये देखना है कि मानव समुदाय का है, आपको उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रश्न बनता है भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्या है। अच्छा आप सबको समझ में आ गया भारतीय संस्कृति का स्वरूप। बच्चों भारतीय संस्कृति बहुत 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 गूढ़ है कहना चाहिए, दिखने को जरूर दिखता है कि सबकी संस्कृति जो है वो इस तरह एक है, विविधता है, इस तरह हम बातें करते हैं, लेकिन इस विविधता को समझ पाना चरितार्थ कर पाना
थोड़ी मुश्किल है, लेकिन यदि प्रयास करते हैं तो कहीं अंधकार नहीं है। ठीक है, तो अब एक अंतिम पैराग्राफ से हम कहेंगे कि विश्व का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल सके। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो विकास क्रम में पीछे हो गए हैं, उन्हें पुनः उसी विकास की गति से जोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के पीछे केवल एकमात्र कारण तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के लिए ही संवेदनशीलता उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि हमारे समाज में ऐसे भी और बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम दिव्यांग लोगों की बात भी हम कर सकते हैं, उन्हें भी हमें अपने मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जो भी आपने एक हमारी वो लक्ष्मण मस्तूरिया की मेरे गीत है क्या कि गिरे परे हफ्ते मन ऐसा करके वो संग चलो रे, ये जो गीत है कितना भाव भरा है। इसलिए कहते हैं ना कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी बात ही अलग है, वो हर किसी को अपने साथ लेकर के जोड़ने की बात कहते हैं। यही बात यहाँ भी आ रही है पाठ में कि हमारे इस दुनिया के विकास क्रम में हमें सबको एक साथ चलना होगा, मतलब एकला चलने वाली बात नहीं है, मतलब एक आगे चले उसके आदर्श पर या उसके पचन्य पर और सारी पीछे हजूम यानी भीड़ जो है इकट्ठी रहे और सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, इसलिए सभी को जोड़ना निहायत आवश्यक है। आप भी अपने क्लास में जितने लोग आप लोग दिखते हैं आप सब में दोस्ती होनी चाहिए, बगल के क्लास के लिए भी आपके मन में वही संवेदना होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, है ना, आपको हर बच्चे के लिए, एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे के लिए अपने जैसा ही संवेदना मतलब एहसास जो है वो जगा करके रहे। इसलिए मैं फिर से ये कहूंगी कि दुनिया के विकास क्रम में एक चींटी की भी योगदान है तो हाथी का भी है, इसलिए इस दुनिया में पैदा हुए हर मनुष्य की आवश्यकताएं एक जैसी हैं तो योगदान भी बराबर। बच्चों, आप लोगों ने पाठ पूरी तरह से पढ़ लिया या कहूँ सुन लिया, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। मैं कुछ काम आपको देती हूँ, ठीक है, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको पूछ लिए हैं पाठ पढ़ते समय, आपको देती हूँ मैं गृह कार्य के लिए, ठीक है, आप घर में जाके काम करेंगे और आपको मजा आएगा, मैं जानती हूँ, ठीक है। कभी किसी दिन क्लास में आप बैठे हो और अगर आपके शिक्षक क्लास में ना हो जैसे, तो उस स्थिति में भी आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, इस तरह मैं प्रश्न देती हूँ, ठीक है। इस पाठ को पढ़ते समय आपने देखा कि त्रेता युग, द्वापर युग, इस प्रकार से युगों के बारे में और आधुनिक युग, आपने तीन युगों को देखा। अगर मैं कहूँ तो इन्हें आधुनिक युग मतलब कलयुग से है, ध्यान देना, शायद मैंने पढ़ाते समय इसका उल्लेख न किया हो। तो युग तो हमारे पास चार होते हैं ना, एक है कलयुग, एक है त्रेता, एक है द्वापर और एक है, कौन सा मैंने पहले बोला है बोलिए, सबसे पहले में क्या होगा, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस प्रकार चार युग आपके सामने आ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल क्रमबद्धता में इसको रखें, जो चार युग जो होते हैं इन युगों में इनकी इनका नाम चलता रहा है, आदर्शवादी पात्रों के रूप में आप जानते रहे हैं, लेकिन इनको जीवन यापन में कहीं कहीं पर परेशानी भी हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे, इसे आप जो है वो क्या करेंगे, इस पर आप चर्चा करेंगे अपने घर में और अपने कक्षा में, ठीक है। एक तरह से वाद विवाद जैसा भी हो सकता है कि हाँ इस युग के पात्र बहुत अच्छे थे, इस युग के नहीं थे, इस तरह आपको केवल मैंने अनुसंधान वाला काम दिया है कि कुछ ऐसे लिख करके आप लाना ही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, आपको चर्चा ही करना है और चर्चा में ये निकाल लेना है कि कौन से युग में कौन कौन से पात्र ऐसे थे जिनको और भी आप जानते होंगे, या आप सूची बना सकते हैं और उनके जीवन के बारे में देख सकते हैं, या उनकी परेशानियां किस तरह की रही होंगी, इस प्रकार की बातें आप देखते रहिए, कुछ विशेष आपको यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बच्चों, आपको इन विषम परिस्थितियों में भी अपने सेहत को बनाए रखने की शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात अब यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर भी जाते जाते एक प्रश्न करूंगी, हमने कितने युगों में तृतीय लिंग की व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है, मुझे सभी लोगों के हाथ उठे हुए दिखने चाहिए और उत्तर देने चाहिए, कौन बताएगा,
वेरी गुड, सभी के हाथ उठ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आप चर्चा करिए, बस मैं ये चाहती हूँ, और अपने घर में मम्मी पापा को भी बताइए और ये कहिए कि वो हमारे जैसे होते हैं, इसलिए कभी उनके साथ गलत व्यवहार ना होने पाए, इसका उन्हें भी ध्यान रखना है, ऐसा मैडम ने कहा है, ऐसा कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।